Assalamualaikum friends, my name is Abdul Hanan and you are watching Study Wali class. Friends, आज का टॉपिक है कि what is the difference between average velocity and instantaneous velocity. तो आज हम देखेंगे कि average velocity और instantaneous velocity के दरमियान क्या basic difference क्या, ठीक है? तो हम पहले start करते हैं, ठीक है? तो जो first point है वो average velocity है कि it is the average रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर एन इंटरवल. तो बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी रेट है चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो पोजिशन में जो चेंज है उसका अगर हम टाइम के रेफरेंस के साथ उसको हम टोटली डिस्क्राइब करें, ठीक है, एक इंटरवल के लिए, यानी कि एक एक ड्यूरेशन एक वक्फे के लिए हम उसको टाइम के साथ जो है वो जो पोजीशन में जो चेंज है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो बेसिकली एक एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक हो गया. इसी तरह अगर हम देखें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या है, तो इट इज़ अ स्पेसिफिक रेट, ठीक है, स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ सिंगल पॉइंट. तो आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि इसमें हमने बात की कि जो डिस्प्लेसमेंट जो जो हमने पोजीशन में जो चेंज की है उसकी हमने जो है वो उसका हमने स्पेसिफिक रेट लिया है, यानी कि जो टाइम के साथ साथ जो हमने जो डिस्क्राइब कर रहे हैं चेंज ऑफ पोजीशन वो हम स्पेसिफिकली किसी सिंगल पॉइंट के लिए हम जहाँ डिस्कस करते हैं. अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो ये है कि इट डजेंट टेल अस एग्जैक्टली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एट एवरी इंस्टेंट इन टाइम, क्योंकि हमने कहा कि एवरेज है, यानी कि टोटल वेलोसिटी बॉडी की जब वो स्टार्ट हुई है किसी पॉइंट से और जब वो एंड, यानी कि पॉइंट ए फॉर एग्जांपल वहाँ स्टार्ट हुई है, पॉइंट बी जहाँ वो एंड हो रही है, तो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो उसकी टोटल जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं. तो इसीलिए जो है वो ये जो जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमें जो है वो हर इंस्टेंट के लिए हर पॉइंट पर जो है वो ये हमें नहीं भी बताती कि कितनी जो है वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है, ठीक है. हम ये बेसिकली हमें एवरेज आइडिया देती है कि बॉडी की जो है वो जो मोशन है वो कितनी फास्ट है, ठीक हो गया. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो क्या है कि इट टेल्स अस द मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वेदर द पाथ स्ट्रेट है, कर्व है, जो मोशन है वो स्टेडी है और वेरिएबल है. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये हमें हर पॉइंट का, यानी कि जो पॉइंट ए जहां से स्टार्ट हुई है पॉइंट बी जहां के एंड हो रही है मोशन, उस पॉइंट के दरमियान जो हर पॉइंट है उस पॉइंट की जो है वो हमें जो है वो मोशन के बारे में बताती है कि आया कि जो मोशन है वो उसकी स्टेडी कॉन्स्टेंट रही थी या फिर वो वेरिएबल चेंज थी या फिर या जो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट था या फिर कर्व था. इन सब की इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमें देती है, ठीक है. इट इज़ द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ओनली द टोटल स्पीड ओवर एन इंटरवल, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो टोटल जो स्पीड होती है उसकी जो ड्यूरेशन है उसके दौरान जो उसने जो टोटल स्पीड जो उसकी थी उसका जो नॉलेज है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देती है. और जो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही मोशन की भी डायरेक्शन होती है, ठीक हो गया. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ये है कि इट इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड और डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट में बॉडी की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो कितना चेंज हो रही है वो जो सब के सब इंफॉर्मेशन है हर पॉइंट की टू द पॉइंट, मतलब स्पेसिफिकली जो इन्फो जो देती है वो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कार्स के स्पीडोमीटर्स हैं उनमें क्या होता है कि आप यानी कि जब आपका चलान होता है तो मतलब जो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आपकी जो एवरेज बल्कि उस पॉइंट पर जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके थ्रू जो है वो आपका चलान होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है. एवरेज जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली टोटल displacement over total time taken, यानी कि हमने पहले भी बात की है कि एवरेज जो है वो टोटल है, तो इसीलिए जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो भी टोटल है और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन कि कितने टाइम पर कितना उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं डेल्टा डी ओवर डेल्टा डी, डेल्टा डी और डेल्टा टी की लिमिट लेते हैं
जब डेल्टा टी जो है वो यानी कि हमने जो है वो चेंज इन टाइम को इतना स्मॉल कर देना है कि वो अप्रोच करे, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो बल्कि जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, और उस डेल्टा टी में जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है वो उस पॉइंट में ज़ीरो ही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि डेल्टा डी और डेल्टा टी की लिमिट लेना जब डेल्टा टी ज़ीरो अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ की जो हम स्लोप लेते हैं, अगर हम एक्स वाई ग्राफ इसमें देखें कि जहाँ ये एक मतलब हमने एक स्लोप बनाई है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्लोप है ये सब की सब ये बेसिकली जो है वो जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ऑफ द ग्राफ होता है, यानी कि जो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं किसी स्लोप में, अगर हमारे पास एक स्लोप था, हमने पॉइंट ए पर एक टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करना जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करे उस कर्व पाथ उस स्लोप से। तो एक पॉइंट ए में हमने एक टेंजेंट बनाया और पॉइंट बी पे एक टेंजेंट बनाया, तो ये जो दो जो टेंजेंट हैं वो बेसिकली जो है वो हमारे पास इस वेलोसिटी को शो करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट्स, जो जो आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़ एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज द बॉडी, ठीक है, इस सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म, मतलब ये है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो बॉडी की चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है जो उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही। इसीलिए जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है, तो उस वक्त जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि उस वक्त दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम होती हैं, ठीक हो गया। तो ये तो था कंसेप्ट। अगर आप देखें तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एग्जांपल, तो एक मतलब जो है ना, अगर आप एक बॉल लें और उस बॉल को जो है वो बहुत बार एक मतलब वॉल से जो है वो एक मतलब वो बाउंस बैक हो, लेकिन जब वो आपके पास वापस आ जाएगी एट द एंड, तो जो आप देखेंगे जो जो नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो इसकी जो 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 पोजीशन में जो चेंज है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वहीं से वो वहाँ ही वो आ जाएगी। तो इसीलिए जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, लेकिन हर इंस्टेंट पर, यानी कि जब मैंने बॉल फेंकी, जब वो वॉल से वापस आ रही है उसकी मोशन के दौरान, तो हर इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान क्या डिफरेंस।